हेलो गाइस, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं एक सिंपल सा जो नेकलेस है कुंदन का वो बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं ये जो ओवल शेप की जो कुंदन है वो, और ड्रॉप जो पर्ल है वो लिए, और मैंने ये जंप रिंग ली है, और इसके लिए हमें जो टूल्स चाहिए वो लिए हैं मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए मैंने एक ओवल शेप का कुंदन लिया है, उसमें जो जंप रिंग है वो ऐड कर दी है, और इसके साथ ही मैं एक दूसरा जो ओवल शेप का कुंदन है वो ऐड कर दूंगी। तो अब मैंने इसको ऐड कर दिया है, देख देख सकते हैं आप। तो इसके साथ मैं आगे और जो ये जंप रिंग है वो ऐड करके, और इसके साथ जो ओवल शेप की जो कुंदन है वो ऐड कर दूंगी। तो इसी तरह से मैं सब एक एक करके ये सारे जो कुंदन है वो ऐड कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक करके सबको ऐड कर दिया है। तो देखिए हमारे ये चार जो ओवल शेप के कुंदन है वो ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से मैंने ये पूरी लड़ बना दी है। ये लड़ बनने के बाद मैं इसमें जो ये ड्रॉप ड्रॉप शेप के जो पर्ल है वो ऐड कर दूंगी मैं। तो मैंने इसको लास्ट वाले में ऐड कर दिया है जंप रिंग के साथ में। इसी तरह से मैं बारी बारी से ये सारे जो ये जो ड्रॉप पर्ल है वो ऐड कर दूंगी। तो मैंने ये सारे जो पर्ल है वो लगा दिए और ये बनकर तैयार है। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। तो अब मैं इसको नेकलेस की जो डोरी है उसके साथ इसको अटैच करके बताती हूँ। तो मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है, दूसरी साइड से भी इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैंने इयररिंग के लिए जो स्टड है कुंदन के वो लिए हैं। अब इसमें मैंने एक और जो ओवल शेप का कुंदन है वो ऐड कर दिया है जंप रिंग की मदद से। तो अब इसको मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी तैयार कर दिया है, दूसरा तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ में मैं जो ड्रॉप पर्ल है वो नीचे ऐड कर दूंगी लटकन में। तो मैंने इसके साथ में सबसे नीचे वाले होल में इसको अटैच किया है, फिर इसके ऊपर वाला जो होल है उसमें भी इसको अटैच कर दूंगी। तीन तीन जो पर्ल ड्रॉप है वो अटैच करूंगी।